नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। मसूबकरण सहायक आचार्य EFM, आज हम BCom पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर प्रथम व्यवसायिक अर्थशास्त्र बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत यूनिट संख्या सेकंड में मांग विश्लेषण के अंतर्गत यूटिलिटी अप्रोच, उपयोगिता दृष्टिकोण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व के वीडियो में हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में एक यूनिट कंप्लीट कर ली थी, जिसमें हमने अध्ययन किया था व्यवसायिक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्यवसायिक अर्थशास्त्र की विशेषताएं, क्षेत्र, प्रकृति और महत्व, और व्यवसायिक अर्थशास्त्र का नीति निर्धारण में क्या भूमिका रही या व्यवसायिक अर्थशास्त्र का महत्व है, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इन दोनों में अंतर, और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यवसायिक नीति निर्धारण में उसकी क्या भूमिका रही, क्या उसकी इम्पोर्टेंस रही। इसी क्रम में हम बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट संख्या सेकंड के अंतर्गत हम डिमांड एनालिसिस के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसमें संपूर्ण यूनिट सेकंड में यूटिलिटी एनालिसिस में हम पढ़ेंगे उपयोगिता क्या है, उपयोगिता की क्या क्या विशेषताएं हैं, उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं, सीमांत उपयोगिता हाश नियम क्या है, लोब द डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता नियम क्या है, मांग का नियम क्या है, मांग के नियम के कौन कौन से अपवाद हैं, और मांग के नियम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग की लोच के प्रकार, श्रेणियां, और मांग की लोच को मापने की विधियां कौन कौन सी हैं, या मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, वो हम इस सेकंड यूनिट के अंतर्गत चर्चा करेंगे। सेकंड यूनिट में आपके विश्वविद्यालयों की एग्ज़ाम में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो तीन टॉपिक पे अधिकतर आता है। एक तो यूटिलिटी एनालिसिस में, यूटिलिटी एनालिसिस के अंतर्गत सीमांत उपयोगिता हाश नियम, लोब द डिमिनिजिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता हाश नियम की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए, या तो ये प्रश्न आता है, या फिर प्रश्न बनता है मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, या मांग के नियम के अपवाद बताइए। तीसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच के विभिन्न श्रेणियां और मापने की विधियों का वर्णन कीजिए। तो ये आपके तीन टॉपिक हैं, उनका हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, उनके बारे में हम डायग्राम के द्वारा समझेंगे। अब हम चर्चा करेंगे आज डिमांड एनालिसिस में उपयोगिता दृष्टिकोण। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु है उपयोगिता, किसे कहते हैं, यूटिलिटी। उपयोगिता, जैसा कि व्यवसायिक अर्थशास्त्र में हम बात करें, किसी वस्तु की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, उपयोगिता को हम माप नहीं सकते। जैसे हो सकता है, उदाहरण के रूप में हम चर्चा करें, जैसा कि मैंने आपको बताया उपयोगिता क्या है, उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। मतलब मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता है। माना एक व्यक्ति है, उसको बहुत भूख लग रही है, तो उस भूखे व्यक्ति के लिए रोटी की उपयोगिता महत्वपूर्ण होती है। तो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता, रोटी उसकी भूख को शांत करेगी तो वो यूटिलिटी कहलाएगी। उपयोगिता की हम बात करें, उपयोगिता मुख्यतया तीन भागों में इसको बांटा गया है।
कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता उपयोगिताओं का योग या किसी वस्तु के उपभोग से होने वाली इकाइयां का योग कुल उपयोगिता होती है। औसत उपयोगिता कुल उपयोगिता में हम जो भी कुल उपयोगिता के अंतर्गत यूटिलिटी जो भी आई उसका भाग देंगे तो वो अपनी औसत उपयोगिता। मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो इस प्रकार उपयोगिता में हम चर्चा करें तो मैंने आपको बताया मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। अब हम चर्चा करें उपयोगिता या मनुष्य की किसी वस्तु या सेवाओं की मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता की हम विशेषता की चर्चा करें तो उपयोगिता की विशेषताओं में इस परिभाषा के अंतर्गत ही हम निकालें कि उपयोगिता लाभदायक भी हो सकती है और कल्याणकारी होने या न होने पर इसका कोई संबंध नहीं है। उपयोगिता लाभदायक कैसे होगी? भूखे व्यक्ति के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, भूखे व्यक्ति के लिए भूख शांत करना या उसको भोजन करवाना तो उसकी संतुष्टि उसके लिए लाभदायक होगी। शराबी व्यक्ति के लिए शराब की यूटिलिटी उसके लिए हानिकारक होगी। तो उपयोगिता क्या होगी? लाभदायक, कल्याणकारी हो सकती है। उपयोगिता एक सापेक्षिक विचार भी अपन कह सकते हैं। यूटिलिटीज रिलेटिव टर्म्स, उपयोगिता का एक सापेक्षिक विचार के अंतर हम चर्चा करें कि व्यक्ति को बहुत प्यास लग रही है तो प्यासे व्यक्ति के लिए पानी की उपयोगिता एक सापेक्षिक होगी, रिलीवेंट होगी। अगर उसकी जगह आप उसको अगर शरबत पिलाएंगे तो वो इतनी संतुष्टिजनक नहीं होगी जितना कि प्यासे व्यक्ति को पानी की उपयोगिता। दूसरे, उपयोगिता व्यक्तिगत होती है, उपयोगिता पर्सनल होती है। हो सकता है किसी व्यक्ति की रुचि, स्वभाव आदि उसकी संतुष्टि पर निर्भर करता है। कई व्यक्ति जैसे शाकाहारी होती हैं तो उसकी व्यक्तिगत है, कई मांसाहारी होते हैं तो उसकी व्यक्तिगत, तो ये व्यक्तिगत होती है। उपयोगिता आवश्यकताओं की तीव्रता पर निर्भर करती है। उपयोगिता उसकी वांट्स है, उसकी आवश्यकताएँ हैं, उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है वो उपयोगिता है। उपयोगिता जब हमें उपभोग्य वस्तु का होना इसमें बहुत आवश्यक है तो उपभोग्य वस्तु का भी है। उपयोगिता का कोई रूप नहीं होता है, ये व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करती है। तो ये भी उपयोगिता किसी प्रकार का आकार स्वरूप नहीं होता है। उपयोगिता वास्तविक उपभोग पर निर्भर करती है। उपयोगिता उपभोक्ता किसी वस्तु खरीदने के लिए लालायित करती है। जैसा कि किसी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की आवश्यकता हो या न हो तो उसकी लालायित करने की इच्छा इसमें करती है। दूसरी, उपयोगिता त्याग के बिना संभव नहीं है। त्याग का मतलब यहाँ पर मुद्रा से है। अगर किसी वस्तु को आप क्रय करते हो तो पारिश्रमिक के रूप में पैसा चुकाना पड़ता है। तो यह तो होगी हमें उपयोगिता। उपयोगिता की इसी क्रम में हम बात करें, उपयोगिता को माप सकते हैं। उसके मापने के भी दृष्टिकोण हैं। दो दृष्टिकोण माने गए हैं, एक तो गणनावाचक दृष्टिकोण, एक क्रमवाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता के दृष्टिकोण या उपयोगिता के माप, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, गणनावाचक दृष्टिकोण, दूसरा है क्रमवाचक दृष्टिकोण। जैसा कि है गणनावाचक दृष्टिकोण में, गणनावाचक दृष्टिकोण मार्शल ने इस परिभाषाओं को उल्लेख किया गया है। मार्शल कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल, किसी वस्तु को मापने के लिए उसको हम गणना के द्वारा अपन माप सकते हैं। जैसे किसी वस्तु की जब
त्याग जब किया जाता है, हो सकता है वह मुद्रा में हो तो मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। जैसे गेहूँ है, किसी व्यक्ति को गेहूँ हूँ लेके आए तो एक बोरी माना कि 1800 रुपये की लेके आए, तो त्याग क्या हुआ यहाँ पर, 1800 रुपये का प्रतिफल में हमें क्या मिला, गेहूँ। तो इस प्रकार से हम इसको माप सकते हैं, तो गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत उपयोगिता को माप सकते हैं। तो इस प्रकार दूसरी उपयोगिता है क्रमवाचक। क्रमवाचक दृष्टिकोण पेरेटो एलन हिक्स ने इस परिभाषाओं को दिया, पेरेटो एलन और हिक्स, ये तीन अर्थशास्त्री हैं जो कि क्रमवाचक दृष्टिकोण का ये मेजरमेंट करते हैं। क्रमवाचक दृष्टिकोण एक मनोवैज्ञानिक धारणा या मनोवैज्ञानिक सापेक्षिक विचार है, क्योंकि इसमें सही तरीके से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, एक क्रम के द्वारा या एक क्रम के द्वारा उसको अपन माप सकते हैं। जैसे हम चर्चा करें कि भाई चाय है और एक कॉफ़ी है, अगर उसमें अच्छी कौन सी है, किसी को उपयोगिता उससे चाय से मिलेगी, किसी को कॉफ़ी से, तो दोनों की तुलना में बेस्ट कौन सा है, तो वो क्रमवाचक दृष्टिकोण के आधार पे है। इसमें भी मुद्रा रूपी मापदंड के आधार पे उसको अपन माप सकते हैं, मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा। तो ये इसके दो अप्रोच हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण आपके टिप्पणी के रूप में भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। अगले हम चर्चा करेंगे उपयोगिता के प्रकार जो कि बहुत उपयोगी है। यूटिलिटी, काइंड ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के प्रकार या उपयोगिता के भेद। उपयोगिता के प्रकार तीन हैं, तीन भागों में यूटिलिटी को परिभाषित किया गया है। पहला है कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी। दूसरा है औसत उपयोगिता, एवरेज यूटिलिटी। तीसरा है सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी, MU भी कह सकते हैं इसको, AU भी बोल सकते हैं और TU भी कह सकते हैं। तो उपयोगिता के तीन प्रकार बताए गए हैं, कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता क्या होती है, उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु के उपभोग की गई समस्त इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। उपभोक्ता किसी वस्तु की इकाइयों से या फिर उपभोक्ता यूनिट्स हैं, ये यूटिलिटी है, 2, 4, 6, 8, 10 इनको टोटल जोड़ने पर अपने पास ये कुल उपयोगिता प्राप्त हो जाती हैं। तो कुल उपयोगिता टोटल यूटिलिटी, हम उपभोग वस्तु का जो भी कुल योग आता है उनको जोड़ के हम आसानी से इसको मेजरमेंट के आधार पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज यूटिलिटी कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी में क्वांटिटी का भाग देके एवरेज यूटिलिटी हम ज्ञात कर लेंगे, वो औसत उपयोगिता कहलाती है। तो कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिताओं को तीन भागों में बांटा गया है जो कि धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। सीमांत उपयोगिता पहला धनात्मक, दूसरी शून्य, तीसरा ऋणात्मक। पॉजिटिव 0 और नेगेटिव, ये मार्जिनल यूटिलिटी है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम इस प्रकार भी ज्ञात कर सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी बराबर DUX
बटा डी यू वाई क्वांटिटी वाई या कुल उपयोगिता में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता को हम एक सचित्र डायग्राम्स के द्वारा हम समझें, जो कि तीन प्रकार की कब होती है, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं वैसे वैसे उपयोगिता में निरंतर कमी होती जाती है। एक स्तर पर धनात्मक होती है, संतुष्टि बिंदु जीरो होती है जिसमें पूर्ण संतुष्टि होती है, और जैसे जैसे अपन वस्तु का उपभोग करते हैं तो एक संतुष्टि बिंदु के बाद में अगर उस वस्तु का निरंतर आप उपभोग करते हो तो आपके लिए वो नेगेटिव होती है, वो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। तो उपयोगिता धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक होती है सीमांत उपयोगिता। इसको डायग्राम्स के द्वारा हम देखें। माना कि अपने पास 5 आम की इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं आम की, 1, 2, 3, 4, 5। जब हम एक आम के सेवन करते हैं तो हमें कुल उपयोगिता, टोटल यूटिलिटी 5 मिलती है। जब दूसरे आम का हम सेवन करते हैं यूटिलिटी बढ़ती है 8, तीसरे में 10, चौथे करेंगे तो मार्जिनल जो टोटल यूटिलिटी है वो बराबर रहेगी, पाँचवें जब आम का सेवन करेंगे तो अपनी टोटल यूटिलिटी घटेगी 9 मिलती है। अब इसे हम ज्ञात करें मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे मार्जिनल यूटिलिटी में आपको बताया कुल उपयोगिता में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि सीमांत उपयोगिता कहलाती है। जैसे पहले में 5 अतिरिक्त वृद्धि कितनी हुई, 3, यहाँ पर अतिरिक्त वृद्धि 2, यहाँ पर 0, यहाँ पर -1। तो ये जो बिंदु है अपना, ये है धनात्मक, ये 0 संतुष्टि बिंदु, ये ऋणात्मक। तो मार्जिनल यूटिलिटी के 3 प्रकार हो गए, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। इसमें विद्यार्थी ये गलती करते हैं, इनका आप ध्यान रखना ज़्यादा, कि उपयोगिता के प्रकारों में कई बार धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको उपयोगिता के प्रकार में कुल उपयोगिता, औसत उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ही दर्शाना है, जबकि सीमांत उपयोगिता के भेद हैं धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। अब इस प्रकार हम इसको एक सचित्र डायग्राम्स के द्वारा हम समझें कि सीमांत उपयोगिता धनात्मक, शून्य, ऋणात्मक कैसे हुई। वाई ओ एक्स सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी क्वांटिटी, 1, 2, 3, 4 और 5। मार्जिनल यूटिलिटी एक यूनिट, एक वस्तु का सेवन करने से हमें माइनस में भी है, -1, 1, 2, 3, 4 और 5, एक वस्तु के सेवन करने से हमें मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हुई 5, दूसरे आम का सेवन करने से 3, तीसरे से सेवन करने से 2 और चौथे सेवन करने से 0 और पांचवे से नेगेटिव। तो इस प्रकार ये अपना डायग्राम इस प्रकार होता है, ये मार्जिनल यूटिलिटी रेखा है। तो ये जो अपना बिंदु है ये पॉजिटिव है, धनात्मक है, और ये 0 है, संतुष्टि बिंदु है, यहाँ पर अपने को संपूर्ण संतुष्टि की अनुभूति होती है, ये ऋणात्मक, ये अपने लिए हानिकारक है। तो इस प्रकार ये सीमांत उपयोगिता यूटिलिटी के मुख्य कंटेंट थे। तो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।